बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए नई डिश लेके आए हैं, बीफ मलाई बोटी लेके आए हैं। मलाई बोटी बनाने का तरीका बताते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हम ये डालेंगे, हम मलाई बोटी बना रहे हैं। 2 चम्मच अदरक लहसुन है, 1 चम्मच काली मिर्चों का पाउडर है, 1 चम्मच सौंफ और उसका धनिया ज़ीरा का पाउडर है, 1 चम्मच गरम मसाला है, 2 चम्मच कुटी मिर्चें हैं, 1 डब्बा क्रीम का है, सिरका है, पपीता है। अभी ये मैंने बोटियों के अंदर मलाई बोटी बना रही हूँ, इसके अंदर मैंने कुटी मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये मैंने सब चीज़ इसके अंदर, यहाँ तक अजवाइन भी मैंने पीस के इसमें डाली है। सब डालने के बाद मैंने पपीता भी डाला, सिरका भी डाला, 2 चम्मच खाने वाला तेल भी डाला है मैंने। अभी मैं इसको ना क्रीम लगा के मैंने रखा, अब इसको हम तैयार करके दिखाएंगे आपको। अब देखें इसके अंदर ना, मैं ये पतीली गर्म हो रही है, इसके अंदर है ना, मैं इसको सीखों में भी बना सकती हूँ और ऐसे भी बन सकती, मैं पतीली में बना रही हूँ। ये कोलों भी बनती है, सीखों में बनती है, ये इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अभी। और इसको ना कुछ भी नहीं करना है, इसमें मैंने सब कुछ डाला, नमक वगैरह सब डाला हुआ है। अब इसके अंदर थोड़ी सी इसको गलाना है, गलाने के बाद मैं इसको उतार लूँगी तो ये मलाई बोटी तैयार हो जाएगी। हम 20 मिनट के लिए इसको गलने के लिए रख देते हैं, बीफ की है ना मलाई बोटी बना रहे हैं। और ये 20 मिनट के बाद फिर ये बिल्कुल गल जाएगी। इसमें पपीता और सिरका दोनों लगा हुआ है। ये देखें, ये जो मैं मलाई बोटी बना रही थी, ये 20 मिनट के लिए मैंने रखी थी गलने के लिए। देखो गल के तैयार हो चुकी है मलाई बोटी। ये देखें अच्छी तरीके से ये मलाई बोटी गल के तैयार, मैं उतार रही हूँ अभी इसे। ये देखें मैं ऊपर से भी ये क्रीम डाली, इसमें मैंने पहले भी है ना क्रीम डाल के मैंने इसको पकाया था मलाई डाल के। अब इसको मैं मलाई डाल के पकाई। ये देखें ये है मलाई बोटी। ये देखें ये मलाई बोटी बनी है, इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें डाले, सिरका भी डाला है, पपीता भी डाला है। इसको मैंने इस तरीके से गलाया, बिल्कुल ये नरम हो चुका है ये गोश्त। इसमें सब चीज़ें डाली मैंने। देखिए ये मलाई बोटी तैयार हो चुकी है।